हेलो गाइज, वेलकम टू टेक बज। तो आज मैं कंपेयर कर रहा हूँ न्यूली लॉन्च सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा और एप्पल के फ्लैगशिप का जो है iPhone 15 प्रो मैक्स। ये दोनों ही इनके कंपनी के लेटेस्ट फ्लैगशिप फोन्स हैं। तो आज मैं दोनों का एक इनडेप्थ कंपैरिजन करूंगा, बात करूंगा दोनों के डिजाइन, कैमरा फीचर्स एंड गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में, और आपको बताऊंगा दोनों में से कौन सा फोन लेना बेटर होगा कैमरा और परफॉर्मेंस के लिए। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन आ सके, और अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो सैमसंग एंड्रॉइड 14 OneUI 6.1 पर है और आईफोन iOS 17 पर, और आईफोन में 5 मेजर अपडेट्स और सैमसंग में 7 मेजर अपडेट्स आएंगे। UI दोनों का काफी स्मूथ रहता है, UI में कोई लैग नहीं मिलता, और OneUI 6 की वजह से सैमसंग के एनिमेशंस भी अब आईफोन जितने ही स्मूथ लगते हैं। आईफोन के OS में ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस है डाउनलोड्स और दूसरी चीजों को लेकर, जबकि सैमसंग का एंड्रॉइड यूजर को काफी अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपीरियंस देता है, जो चाहे आप मॉडिफाई कर सकते हैं, बट सिक्योरिटी आईफोन की थोड़ी बेटर है। iPhone में 24 5G बैंड्स है और Samsung में 17 5G बैंड्स, दोनों में NFC ब्लूटूथ 5.3 है। iPhone में Wi-Fi 6E और Samsung में Wi-Fi 7 है, और Wi-Fi कवरेज का रेंज Samsung का बेटर है। दोनों में लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन के लिए काफी सारे टेक्स्ट कलर्स और विजेट्स अवेलेबल है। Samsung में एडिशनल कलर पैलेट फॉर UI वाला ऑप्शन भी है और एक डेडिकेटेड थीम स्टोर भी दिया है। थैंकफुली दोनों में ज्यादा फालतू एड वाले कोई ऐप नहीं आते, बस कंपनी के ही ऐप्स हैं इनमें। अब स्पीड टेस्ट करते हैं इनका। दोनों में से बैकग्राउंड ऐप को क्लियर कर दिया गया है। सैमसंग में दिया है स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 3 और आईफोन में दिया है एप्पल A17 प्रो चिप, और स्पेक्स वाइज दोनों काफी पावरफुल फ्लैगशिप चिपसेट है। दोनों के डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो 1:2:2 रन हो रहा है और हमने वीडियो का स्पीड इंक्रीज कर दिया है। टेस्ट कंप्लीट हो गया है और सैमसंग ने टेस्ट जीता है ऑलमोस्ट 3.4 लाख ज्यादा स्कोर करके, जो काफी बड़ा मार्जिन है। लेकिन टेस्ट के वक्त सैमसंग आईफोन से ज्यादा हीट हुआ है। अब इसे परफॉर्मेंस में फर्क पड़ता है या नहीं वो तो आगे पता चल जाएगा। तो दोनों फोन्स सेम वाईफाई पर कनेक्टेड है और सभी बैकग्राउंड ऐप को क्लियर कर दिया गया है। सबसे पहले चालू करते हैं बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया या PUBG। सैमसंग में स्मूथ से लेकर HDR तक एक्सट्रीम FPS और अल्ट्रा HD पर अल्ट्रा FPS का सपोर्ट है, जबकि आईफोन में स्मूथ पर 90 FPS, बैलेंस से लेकर HDR तक एक्सट्रीम FPS और अल्ट्रा HD पर अल्ट्रा FPS का ऑप्शन मिलता है। सैमसंग में मोस्टली 90 FPS जल्दी आ जाएगा। तो BGMI पहले सैमसंग में खुला है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एसफॉल्ट 9। सैमसंग में 12 GB रैम है और आईफोन में 8 GB रैम, बट सैमसंग में 8 GB वर्चुअल रैम का भी ऑप्शन है। एसफॉल्ट 9 भी पहले सैमसंग में ओपन हुआ है। टॉप स्कोर है सैमसंग का 2 और आईफोन का 0। अब ओपन करते हैं बीच बगी रेसिंग 2। थर्मल्स की बात करेंगे तो टाइटेनियम फ्रेम की वजह से दोनों में हीट पता चलती है, बट सैमसंग में ज़्यादा हीटिंग है। ये गेम आईफोन में जल्दी खुला है। नेक्स्ट ओपन करेंगे सबवे सर्फर। आईफोन में 4441 mAh की बैटरी है और सैमसंग में 5000 mAh की, और आईफोन में मुझे 10 घंटे का और सैमसंग में 9 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिला है टेस्टिंग के वक्त। सबवे सर्फर पहले आईफोन में ओपन हुआ है। अब लास्ट चालू करेंगे हंगरी शार्क एवोल्यूशन। सैमसंग 45 वॉट्स और आईफोन मैक्स 27 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है वायर से, और दोनों में वायरलेस चार्जिंग और वायर से रिवर्स चार्जिंग का भी सपोर्ट है, बट सैमसंग में रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन है। तो 5 में से 2 गेम्स सैमसंग में और 3 गेम आईफोन में पहले खुले हैं, बट गेमिंग परफॉर्मेंस आईफोन में थोड़ी सी बेटर है, बेटर FPS मेंटेन करता है और हीटिंग भी कम है, और आईफोन कंसोल लेवल के गेम्स भी चला लेता है, जबकि सैमसंग में फिलहाल इसका कोई अपडेट नहीं है। और हीटिंग को चेक करने के लिए जब मैंने Antutu टेस्ट के बाद दोनों में वीडियो रन किया, तब सैमसंग ने हीट की वजह से YouTube पर अपनी मैक्स ब्राइटनेस काफ़ी कम कर दी, जबकि आईफोन अपनी फुल ब्राइटनेस मेंटेन कर रहा था। अब डिज़ाइन की बात करेंगे तो सैमसंग में प्लेन मैट फिनिश ग्लास बैक है एंड कैमरा लेंसेज सेपरेटली प्लेस्ड है बैक पैनल पर। आईफोन 15 प्रो मैक्स में भी प्लेन मैट फिनिश ग्लास बैक है। स्क्वायर कैमरा आइलैंड पर ट्रिपल कैमराज है विथ लाइडर सेंसर। दोनों में थोड़े फिंगरप्रिंट्स मजे आते हैं, और डिजाइन वाइज मैं सैमसंग को पर्सनली प्रीफर करूंगा। सैमसंग में मैट फिनिश स्लाइटली कर्व्ड टाइटेनियम फ्रेम है और आईफोन में ब्रश्ड मेटालिक मैट फिनिश फ्लैट टाइटेनियम फ्रेम। दोनों में स्टीरियो स्पीकर्स और ड्यूल 5G सिम का सपोर्ट है। सैमसंग में फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास आर्मर और बैक में गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 है, और आईफोन में सिरेमिक शील्ड ग्लास और ओलियोफोबिक कोटिंग का प्रोटेक्शन के लिए। बेजल्स दोनों में चारों कॉर्नर्स में यूनिफॉर्म है और सैमसंग के बेजल्स आईफोन से कम है। सैमसंग में पंचोल सेल्फी कैमरा है और आईफोन में डायनेमिक आइलैंड में सेल्फी कैमरा और फेस आईडी के 3D सेंसर्स है। सैमसंग का फ्रेम ज्यादा कर्व्ड है, बट जो कॉर्नर्स है वो काफी शार्प है, इसीलिए थोड़ा इरिटेट करता है, लेकिन ग्रिप अच्छा है। आईफोन में फ्लैट फ्रेम है बट एजेस कर्व्ड है, इसीलिए हाथ में काफी कंफर्टेबल है बट थोड़ा स्लिपरी है। दोनों पकड़ने में काफी प्रीमियम फील देते हैं, बट मुझे पर्सनली सैमसंग का फील बेटर लगा। दोनों फोन्स IP68 सर्टिफाइड डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट है, बट आईफोन 6 मीटर और सैमसंग 1.5 मीटर तक ही पानी में रह सकता है 30 मिनट्स के लिए। आईफोन के डायनेमिक आइलैंड में अपडेट्स के साथ एडिशनल फीचर्स ऐड होते रहते हैं, जो मल्टीटास्किंग में थोड़ा हेल्प कर देते हैं। सैमसंग में एस पेन दिया है जिससे आप काफ़ी क्रिएटिव काम कर सकते हैं, और साथ में S24 अल्ट्रा में काफ़ी AI वाले फीचर्स भी है। जिससे पहले तो है ऑब्जेक्ट इरेजर, जो फोटो या वीडियो से किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकता है। उसके बाद है शेडो रिमूवर,
और ऐसे काफ़ी सारे AI फीचर्स हैं इसमें। आप कॉल पर लाइव ट्रांसलेट वाला फीचर भी यूज़ कर सकते हैं, तो अगर आपके सामने वाला इंग्लिश बोल रहा है तो आपको वॉइस हिंदी में आएगी। आप कैमरे की बात करेंगे तो सैमसंग में क्वाड कैमराज है, 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल का 5x पेरिस्कोप कैमरा, 10 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड एंगल कैमरा। इसके डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आईफोन में ट्रिपल कैमराज है, 48 मेगापिक्सल का मेन, 12 मेगापिक्सल का 5x टेलीफोटो और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड एंगल कैमरा। इसके भी डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोनों के फ्रंट और बैक कैमरा से 4K 60fps वीडियो शूट कर सकते हैं, बट सैमसंग में 4K 120fps और 8K 30fps का भी ऑप्शन है। दोनों के फ्रंट कैमरा में 120fps का स्लोमो है। आईफोन के बैक कैमरा में 240fps स्लोमो है और सैमसंग में 960fps सुपर स्लोमो। बाकी दोनों में नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड विद स्टाइल इफेक्ट, पोर्ट्रेट वीडियो, अल्ट्रा स्टेडी वीडियो, पैनोरमा है। आईफोन में कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन है जैसे फोटोग्राफिक फिल्टर्स, डॉल्बी विजन वीडियो और सैमसंग में है प्रो मोड, डायरेक्टर्स मोड, फूड मोड, ब्यूटी मोड, AR स्टिकर्स। तो चलिए कुछ कैमरा सैंपल्स देखते हैं। डे टाइम फोटोज दोनों में ज़बरदस्त है, कलर्स दोनों में काफ़ी वाइब्रेंट है, बट डायनेमिक रेंज मोस्टली सैमसंग में बेटर होता है और सैमसंग मोस्टली सभी फोटोज़ में ज़्यादा वाइब्रेंट भी है। बस डिटेल्स आईफोन में ज़्यादा शार्प रहती है क्योंकि आईफोन बाय डिफॉल्ट 24 मेगापिक्सल और सैमसंग बाय डिफॉल्ट 12 मेगापिक्सल पर फोटो लेता है। बाकी आईफोन का 48 मेगापिक्सल और सैमसंग का 200 मेगापिक्सल ऑन करने पर सैमसंग में डिटेल्स ज़्यादा शार्प रहती है। वैसे दोनों का डिटेल कैमरा कंपैरिजन मैंने ऑलरेडी डाला है अपने चैनल पर, अगर आपको वो वीडियो देखना है तो पर कार्ड में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अल्ट्रावाइड लेंस पर डायनेमिक रेंज और कलर्स सैमसंग के ज़्यादा बेटर है। सैमसंग में एडिशनल 3x टेलीफोटो जूम भी है। बाकी दोनों में आपको 5x जूम लेंस भी दिया गया है और इसे सैमसंग में 100x तक और आईफोन में 25x तक जूम कर सकते हैं। HDR सैमसंग का बेटर होता है क्योंकि हाइलाइट्स और शेडोज के बीच बेटर बैलेंस मेंटेन करता है। आईफोन में फोरग्राउंड थोड़ा डार्क हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ये 1x पर पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट्स दोनों में काफ़ी अच्छे आते हैं। आईफोन का स्किन टोन एंड ओवरऑल कलर ज़्यादा प्रॉपर है। सैमसंग ने स्किन को हल्का रेडिश कर दिया है और कुछ ज़्यादा ही वाइब्रेंट है। डिटेल्स और एज डिटेक्शन दोनों में काफ़ी अच्छा है। ये दोनों में 2x पर पोर्ट्रेट है, यहाँ भी कलर्स में पहले जैसा ही डिफरेंस है। दोनों में 5x पर भी पोर्ट्रेट ले सकते हैं बटर डेप्थ इफेक्ट के लिए, और इस बार सैमसंग ने काफ़ी हद तक स्किन टोन मेंटेन किया है। बाकी डिटेल्स आईफोन में शार्प है और एज डिटेक्शन दोनों का अच्छा है। इंडोर पोर्ट्रेट में स्किन टोन्स और दूसरे कलर्स आईफोन के ज़्यादा एक्यूरेट है लाइट के हिसाब से। सैमसंग में कलर्स थोड़े कम लग रहे हैं, आईफोन का फोटो ज़्यादा शार्प भी है। बाकी इंडोर शॉट्स में कलर्स आईफोन के ज़्यादा एक्यूरेट है, डायनेमिक रेंज भी बेटर होता है। सैमसंग कभी कभार फोटो को ब्राइट करने के चक्कर में लाइट्स को थोड़ा ब्लोन आउट कर देता है। यह है दोनों का मैक्रो सैंपल, दोनों काफ़ी वाइब्रेंट है और डिटेल्स दोनों में ही काफ़ी शार्प है। लो लाइट परफॉर्मेंस दोनों की काफ़ी अच्छी है, दोनों में कलर्स काफ़ी वाइब्रेंट है। बस मोस्टली ज़्यादातर शॉट्स में सैमसंग में डार्क एरियाज में डिटेल्स थोड़ी बेटर होती है, और जिस फोटो में आईफोन डार्क एरियाज को ब्राइट रखता है उसमें लाइट्स को ओवर एक्सपोज कर देता है। आउटडोर सेल्फी में दोनों के स्किन टोन्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस आईफोन ज़्यादा ब्राइट है और डिटेल्स भी ज़्यादा शार्प है। लो लाइट सेल्फी में लाइट के हिसाब से तो कलर्स आईफोन के बेटर है, बट सैमसंग ज़्यादा ब्राइट है और थोड़ा शार्प भी है। आईफोन में शेडोज थोड़े डार्क हो गए हैं। यह है वीडियो सैंपल 1080p 60fps पर। दोनों के कलर्स काफ़ी वाइब्रेंट है, आईफोन वार्म है और सैमसंग के कूलर टोन्स है। डायनेमिक रेंज सैमसंग का हल्का बेटर है क्योंकि आईफोन स्काई को हल्का ओवर एक्सपोज कर रहा है, सैमसंग थोड़ा बेटर बैलेंस मेंटेन करता है। बाकी दोनों काफ़ी स्टेबल है। सेल्फी वीडियो में सैमसंग का डायनेमिक रेंज बेटर है क्योंकि आईफोन स्काई को और स्किन पर हाईलाइट्स को थोड़ा ब्लोन आउट कर रहा है, बस आईफोन ज़्यादा वाइब्रेंट है। नाइट वीडियो में आईफोन लाइट्स को बेटर कंट्रोल करता है, सैमसंग लाइट्स को हल्का ओवर एक्सपोज करता है। आईफोन लाइट्स के कलर्स को भी बेटर मेंटेन करता है और स्टेबलाइजेशन बेटर है। सेल्फी वीडियो में सैमसंग बैकग्राउंड लाइट्स को ओवर एक्सपोज करके फेस को ब्राइट रख रहा है, जबकि आईफोन थोड़ा बेटर बैलेंस मेंटेन करता है। स्टेबलाइजेशन भी आईफोन का बेटर है, सैमसंग में चलने पर हल्का हेजी इफेक्ट आ रहा है। सिक्योरिटी की बात करेंगे तो आईफोन में आपको फेस आईडी मिलता है जो काफ़ी फास्ट एंड सिक्योर है और ये 3D सेंसर्स पर काम करता है। सैमसंग में आपको इंडिस्पर फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है जो काफ़ी ज़्यादा फास्ट एंड सिक्योर है। इसमें आपको एडिशनली फेस अनलॉक भी मिलता है जो काफ़ी फास्ट है, बट सिक्योरिटी वाइज कुछ खास नहीं है, लेकिन सैमसंग को मैं प्रीफर करूँगा क्योंकि इसमें अनलॉकिंग के लिए एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलता है। अब आते हैं डिस्प्ले पर। दोनों में 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले है एंड स्क्रोलिंग, स्वाइपिंग और सभी एनिमेशंस दोनों में काफ़ी स्मूथ है और दोनों 1 हर्ट्ज़ तक जा सकते हैं बैटरी सेव करने के लिए। अब चेक करते हैं डिस्प्ले की ब्राइटनेस और सैचुरेशन। आईफोन ऊपर है और सैमसंग नीचे। दोनों के डिस्प्ले के डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आईफोन HDR10 और डॉल्बी विजन कंप्लाइंट है और सैमसंग HDR10 प्लस कंप्लाइंट है। दोनों के डिस्प्ले अच्छे खासे ब्राइट और वाइब्रेंट है, बट सैमसंग ज़्यादा वाइब्रेंट और आईफोन ज़्यादा ब्राइट है। बाकी विंग एंगल्स दोनों के काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि दोनों को टिल्ट करने पर कलर्स या ब्राइटनेस वॉश्ड आउट नहीं लगते। ऑन पेपर्स तो सैमसंग में 2600 निट्स की और आईफोन में 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, बट यहाँ तो आईफोन बेटर है आउटडोर ब्राइटनेस में। तो अब करते हैं दोनों के स्पीकर का साउंड चेक। दोनों ही फोन्स में आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, एक नीचे और दूसरा ऊपर की तरफ। तो पहले चेक करेंगे सैमसंग का साउंड। अब चेक करेंगे आईफोन का साउंड।
तो साउंड क्वालिटी की बात करेंगे तो स्टीरियो स्पीकर्स है और दोनों काफ़ी ज़्यादा लाउड है, दोनों काफ़ी क्रिस्प एंड क्लियर है, फुल वॉल्यूम पर भी डिस्टॉर्ट नहीं होते, लेकिन आईफोन का साउंड सैमसंग से ज़्यादा लाउड है, इसलिए मैं इसे प्रेफर करूँगा कंटेंट वॉचिंग के लिए। तो दोस्तों ये था मेरा इनडेप्थ कंपैरिजन वीडियो सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा और आईफोन 15 प्रो मैक्स का। आईफोन स्पीकर, गेमिंग परफॉर्मेंस, बैटरी बैकअप और डिस्प्ले में बेटर है तो सैमसंग लुक्स, फीचर्स और कैमरा के मोस्ट ऑफ दी कंडीशंस में। तो आई होप इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। हम जल्दी लौटेंगे ऐसे टेक एंड गैजेट वीडियोस के साथ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड।